हेलो मेरी फैमिली, तो लाया हूँ आपके लिए नया वीडियो। इस वीडियो में बात करूँगा गदर 2 के बारे में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर नहीं किए होंगे, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप लोग के लिए और वीडियोस लाते रहूँ। तो बात करेंगे गदर 2 की। तो गदर 2 का अभी टीजर जो आया था वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, बहुत ट्रेंडिंग पे भी रहा है, जिसमें सनी देओल ने सब दिखाया। और सनी देओल अभी जहाँ भी जा रहे हैं, जिस जगह भी जा रहे हैं, तो तारा सिंह का गेटअप ही लेकर पहुँच रहे हैं। तो मतलब प्रमोशन बहुत तेज़ी से चल रहा है इस पिक्चर का। अब देखिए आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से ये पिक्चर 100 to 100 मतलब पहले दिन ही 40-50 करोड़ का बिजनेस करेगी, क्योंकि इसका हाइप बहुत तेज है और जितने भी हैं बहुत सारे संगठन जो हैं वो इस ये मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है कि अगर ये 30-40 करोड़ का ओपनिंग लगता है ये पिक्चर को, तो ये पिक्चर 300-400 करोड़ का बिजनेस करेगी, जो कि इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा एक कलेक्शन कहलाएगा। और इस कलेक्शन के साथ सनी देओल की ये पिक्चर भी 700-800 करोड़ तक की पहुंच जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी हिट कहलाएगी। और अभी तो टीजर ही रिलीज़ किया गया, जैसे ट्रेलर आएगा उसमें स्टोरी पता चलेगी कि स्टोरी क्या है। बाकी मैं जैसे आप लोग को बता चुका हूँ, इसमें जो उत्कर्ष शर्मा जो है, अनिल शर्मा के लड़के, उनका मेन रोल रहेगा। उन्हीं को किडनैप करके आई थिंक पाकिस्तान ले जाएंगे, और अपने तारा सिंह जाएंगे पाकिस्तान उनको वापस लेने के लिए। अमीषा पटेल का कुछ रोल रहेगा इसमें, अमीषा पटेल शायद इसमें ख़त्म हो जाएंगी या फिर जो भी, और उसके बाद ये पिक्चर को आगे बढ़ाएंगे। और यही रहेगा कि तारा सिंह जाकर अपना बच्चे का रिवेंज ले रहा है। तो मेरे हिसाब से ये पिक्चर बहुत ज़्यादा हिट होने वाली है, और 300-400 करोड़ का इंडिया में यह कलेक्शन कर लेगी, तो 800 करोड़ करीबन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा, जो कि बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।